ये बॉल दे वहां पे। हाँ यहाँ पर जितने भी शाहीन के जो प्लेयर्स हैं, अगर वो लाइव देख रहे हैं और उनकी आवाज मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है या अपने घरों में, तो यहाँ पर जुबैर अब्बासी जो कि ये उनको कॉल कर रहे हैं कि उन तमाम बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंचना है, तमाम बच्चों को, शाहीन के तमाम बच्चों को यहाँ पर आना है। आदिल मानगांव वाले आदिल वहां पर जरा अंपायरिंग के लिए चले जाए। आदिल मानगांव के आदिल, तो मैं गोरेगांव के बच्चों से फिर से निवेदन करूंगा, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो तमाम बच्चे यहाँ पर चले आए। दानिश करदेकर, फवाद काजी, तौसीफ गोरमे, फरमान घोटेकर, आतिफ घोटेकर, शौकत वेलास्कर, इब्राहिम वेलास्कर, साकिब साकरकर, निहाल घोटेकर और दीगर जो बच्चे हैं, जो शाहीन के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर पहुंचना है। तुरंत मेरी आवाज पहुंचते ही आपको यहाँ पर ग्राउंड पर आना है। नागोटना और वफा फाइटर हरवित, सॉरी यामिन एलियन हरवित, अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे। दोनों दोनों टीमें अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे। माला ये टाकला कैच वगैरह कौन पकड़ता है वगैरह बॉलिंग नवाज सकता ना। वफा फाइटर नागोंडा के लिए इनाम है आसद फकी जो कि ऑनर है उस टीम के, उन्होंने हर विकेट के लिए 200 200 रुपए। नागोटना और अरविंद के बीच में यहाँ पर मैच है। वफा फाइटर नागोटना के लिए इनाम है आसद पक्की की तरफ से हर विकेट पर 200 रुपया। और यहाँ पर दो सलामी के बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, जबकि हरवित जो कि इस इलाके में अपने इलाके की बहुत अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। और स्ट्राइक पर कौन है? सलीम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शहबाज, सलीम और शहबाज। तो सलीम और शहबाज यहाँ पर जो है वो सलामी के बल्लेबाज के तौर पर गए हैं। और पहली ओवर लेकर देखना है नागोटना की तरफ से किसको बुलाया जा रहा है। हमेशा की तरह पहली ओवर लेकर नवाज, नवाज खान, रायगढ़ का छोटा टाइगर के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है, यहाँ तक कि बारिश में भी मैच खेलते हैं ये नवाज। बारिश में भी वो जो लबड़ी बॉल रहता है उस पर भी मैच खेलते हैं, मुंबई वगैरह में मुझे मिले थे। अच्छा क्रिकेट है इनके पास, एक अच्छा नॉलेज है क्रिकेट का, देश विदेश में जाकर खेलते हैं। और अब राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद और इस गेंद को खेला मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ। बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी करते, बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी करते।
अगर ये पिच जब अगर मिट्टी की हो तो फिर बॉल स्विंग होने में बहुत मजा आ जाएगा गेंदबाजों को। लेकिन अक्सर जो पिचें मिलती है वो कंक्रीट की ही मिलती है, 90% पिचें जो है हमारे यहाँ पर जो मिलती है वो कंक्रीट की ही मिलती है। आहा शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट है, ओहो डायरेक्ट वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल भी आप पर ओवर पिच टाइप की गेंद थी, एक गेंद आगे पिच कराकर वहां से स्विंग कराने का प्रयास था, उसमें सफल नहीं हुए। 6 रन, 6 रनों के साथ खाता खोला, पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर 6 रन, तो इस तरह से हरवीत का स्कोर 7। अच्छी शुरुआत हरवीत के लिए, वफा फाइटर नागोटना और यामिन 11 हरवीत। हरवीत की टीम एक अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और उनका मुकाबला एक अच्छी टीम के विरुद्ध हो रहा है जिसमें नवाज खान जैसा एक खिलाड़ी जो हमारे इस इलाके में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन खिलाड़ी में से खिलाड़ी माना जाता है। जावेद का यहां पर वेलकम, और यहां पर 7 रन हुए हैं। मैं फिर से एक मरतबा शाहीन के बच्चों से इल्तिमास करूंगा कि वो यहां पर पहुंच जाए, जरूरत है इस वक्त। राइट अम्बोर्ड द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद, इसको हल्के हाथों से वहां पर वो चौक कर दिया है। फॉलो थ्रू में जाकर जब तक फील करते किसी भी प्लेयर्स के पास मौका नहीं था वहां पर रन के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है नजदीकी क्षेत्र से, मैं अगर आप देखेंगे विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड में लिया हुआ है, एक पॉइंट के ऊपर एक फील्डर है, एक कवर के ऊपर एक 30 गज के दायरे के अंदर है, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन है, तो इस तरह से फील्डिंग है। फिर से एक मरतबा एक गेंद, अच्छी गेंद, फिर से एक मरतबा, बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, अंदर टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, बहुत तेज तरार गेंदबाजी करा रहे हैं और ज्यादातर गेंदे अंदर टारगेट फेंक रहे हैं, यॉर्कर लाइन की गेंदे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का कारण था कि एक गेंद जो ओवर पिच टाइप वहां पर गई और उस पर एक छक्का लगाया था, तो ज्यादा गेंदे जो है वो इसी तरह की फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर गेंदबाज आजकल इसी तरह की गेंदबाजी करना चाहते। राइट अम्बोर्ड द विकेट, ये देखिए उसी का चक्कर में फुल टॉस हो गई गेंद, उसी चक्कर में ये गेंद वहीं से हो गई, वही चक्कर है बिल्कुल भी वहां पर, हालांकि वहां पर इस वक्त जरा सा गति मिश्रण भी किया था वहां पर, लेकिन इस बार वो प्लेयर बिल्कुल भी तैयार थे, उनको मालूम है नवाज खान लगातार यॉर्कर लेन की गेंदबाजी करेंगे और उसके लिए पहले से तैयार थे, थोड़ी सी भी हल्की सी भी चूक करेंगे तो वहां पर इसी तरह के शॉट लगेंगे। वेल डन, वेल शॉट, स्कोर हुआ 14 रन। पहली ओवर इब्राहिम का यहां पर वेलकम, फिर से एक मरतबा राउंड विकेट, ये गेंद और अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ की तरफ जाता हुआ, जबकि लॉन्ग ऑफ का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे, ओवर की समाप्ति 15 रन। 15 रन, एक अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध अगर आप 15 रन निकाले तो आपने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है, अच्छा स्टार्ट किया है कि प्रमुख गेंदबाज है किसी भी टीम के और उसके सामने अगर आप 15 रन निकाल रहे हैं तो यकीनन एक अच्छी शुरुआत रहेगी हरवीत की, बहुत अच्छी शुरुआत, पावर प्ले में वो भी 15 रन। अब पावर प्ले खुल चुका है, पावर प्ले नहीं है तो अब मुजीब आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, मुजीब आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली वहां पर नवाज खान को, लेकिन कितना टारगेट देंगी ये टीम हरवीत, जिनके पास एक अच्छी गेंदबाजी भी है, अच्छी टीम है हमारे इलाके में से, एक अच्छी टीमों में से एक टीम है ये, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका अपने इलाके में, अक्सर वो बेशतर बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलती रहती है और आज वो यहाँ पर पहुंची है गोरेगांव के ग्राउंड पर, शायद पहली मरतबा आई है, तीसरी बार, सॉरी हाँ हरवीत, हरवीत पहली बार आई है, मैं हरवीत की बात कर रहा हूँ जी। हाँ मालूम है मुझे, एक बार यहाँ पर आप जीत कर भी गए थे और काफी मरतबा नागोटना की टीम इस इलाके में आई है, वहूर में भी आई थी, टेम्पला में भी, और काफी जगह पर आई है ये नागोटना की टीम, आती रहती है बीच में बड़े बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन हरवीत की टीम शायद यहाँ पर इस ग्राउंड पर पहली मरतबा आई। स्कोर हुआ है 15 रन। राइट आर्म द विकेट मुजीब, लेफ्ट आर्म है, शॉट है, क्या क्लास है, क्या टाइमिंग है,
वाओ, जैसे ही बॉल फेंका मालूम था कि गेंद जो कि आगे पिच कराएंगी, पहले से इसको मन बनाया था, तैयार थे, मानसिक तौर पर तैयार थे इस गेंद के लिए। बहुत अच्छा शॉट खेला, स्टाइल अच्छा लगा इस शॉट को खेलने का। वेल डन, वेल शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, 21 रन 21। आदिल वहां पर इशारा करे, शायद बॉल चाहिए उनको। वेल डन, अच्छा फेंका तूने, सुबह तक मिल जाएगा। तो स्कोर वहां 21 रन 21 रन, और एक बॉल देके रखे वहां पर शौकत, और एक बॉल देके रखे। इक्कीस रन 21। अब जाकर कुछ बच्चे यहां पर आए हैं शाइन के, और इस बीच इस गेंद को खेल दिया, एक ओवर के ऊपर एक फील्डर तैनात किया, जब तक फील्ड करके थ्रो करते एक रन मिलेगा, एक रन संतोष रहना। पर एक गेंद थोड़ी सी देखा आपने के देखा होगा, हालांकि थोड़ा सा पीछे कर किया था इस गेंद को, थोड़ा सा लंबा इसकी खींच लिया था, और वहां से फिर थोड़ा सा स्विंग भी मिला था, बैट के निचले हिस्से से लगती भी चली गई थी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और वहां पर फील्ड किया, फील्ड करके रोक दिया गया था, और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। परमान घोटेकर यहां पर आए शाहीन की तरफ से, उनका हार्दिक स्वागत, सुबह से अभी आए तो उनका भी स्वागत यहां पर, वेलकम। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म मुजीब, और यहां पर शायद के कैच हो सकती है, क्या कैच ली है, बहुत अच्छी कैच, बेहतरीन कैच, लुढ़कते हुए जमीन के सहारे इस कैच को लपक लिया है। इस तरह की कैचिंग होना चाहिए और होना भी चाहिए। तो यहां पर आसद फकीर की तरफ से 200 रुपए मिलेंगे इस विकेट के लिए, मुजीब के लिए, क्योंकि पहले से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हर विकेट पर 200 रुपए दिया जाएगा। आसद फकीर यहां पर अपनी टीम को यहां पर उत्साह करते हुए, उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और शाहीन गोरेगांव के इस टूर्नामेंट में हमेशा उनकी टीम खेलती है, और इस बार जुनैद, हाँ ये भी बात सही कहा आपने कि उनकी टीम नहीं टीमें खेलती है, ये शायद तीसरी टीम है उनकी या दूसरी जो भी है, लेकिन खेलती उनकी टीमें खेलती, सही बोला उन्होंने, कल भी एक टीम उनकी रहेंगे आसद की। जुनैद दलवी, जुनैद दलवी, जुनैद दलवी गए हैं, और इस तरह से अच्छा कैच लिया वहां पर मयूर ने, मयूर ने बहुत अच्छी कैच ली थी, पहले ऐसा नहीं लगा कि शायद कैच होगी, क्योंकि जिस तरह से वो दौड़े फिर आ गया ऐसा, क्योंकि वहां पर प्रतीत हो रहा था कि शायद बाउंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंत में देखा कि उसे पहुंच सकते हैं, अपने इरादे को फौरन बदल दिया, अपनी थोड़ी सी रनिंग फास्ट कर ली, और लुढ़कते हुए उस कैच को लपक लिया, बहुत अच्छी कैच थी वो, नीचे जमीन के सहारे कैच लेना थोड़ा सा शरीर को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक मरतबा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर एक फील्डर को तैनात किया लगातार इसी शॉट के लिए, एक रन मुकम्मल और दूसरा रन यहां पर लिया है, और अच्छा रन लिया है, अच्छी रन बिटवीन द विकेट देखने मिली है, और इस दो रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पर तवज्जो पहुंचा, इसके साथ 24 रन 24 फॉर लॉस ऑफ विकेट, एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की, 24 गेंदे 24 रन हो चुके हैं। जिस तरह की यहां पर शुरुआत की थी पहली ओवर में 15 रन दिए थे नवाज ने, उसके बाद यहां पर मुजीब आए थे गेंदबाजी के लिए, मुजीब ने भी कुछ अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंदे कुछ अच्छे नहीं की, उसके बाद एक अच्छा कमबैक किया, वहां पर एक सफलता भी मिली उनको, एक अच्छी बहुमूल्य सफलता मिली। लेकिन क्रिकेट है, देखना है यहां पर कितना स्कोर खड़ा करने में सफल हो सकती है ये हरवीत की टीम वफा फाइटर के विरुद्ध ना घोटना। राइट आर्म ओवर द लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस गेंद को उठा कर खेला है, और क्या यहां पर कैच होगी या नहीं, यस यहां पर एक अच्छी कैच, बहुत अच्छी कैच, बेहतरीन कैच यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां पर दानिश ने उस कैच को लिया है, तो दानिश है ये कि फिर से एक मरतबा यहां पर मुजीब के लिए, फिर से एक मरतबा 200 रुपये आए हुए है आसद फकी की तरफ से, तो अच्छी गेंदबाजी रही वहां पर, कैचिंग अच्छी रही है नागोटना की टीम के लिए, दोनों कैचेस बहुत अच्छे लिए थे हमने, काफी कैचेस यहाँ पर छुटे हुए देखा है आज सुबह में हमने देखा था, हमने तो भाई बल्कि कहा भी था कि शायद स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तो महार के 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज बैट्समैन मलिक, अब्दुल मलिक, परकर है क्या, परकर अब्दुल मलिक यहां पर खेलने के लिए गए हैं। मयूर हेंडे गेंदबाजी के लिए, अच्छी कैच ली थी उन्होंने, कैच ली थी मयूर, मयूर हेंडे यहां पर गेंदबाजी करेंगे,
तो स्कोर है 24 रन दो विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर की पहली गेंद मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद मयूर एंडे की, नो बॉल अंपायर का इशारा, बहुत ही खराब गेंद और फिर हिट भी मिलेगा, खराब गेंद थी, बिल्कुल खराब गेंद थी। और यहां पर मयूर की पहली गेंद बहुत ही खराब गेंद थी, राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया वहां पर और फुल टॉस बॉल, क्या कैच होगी इस बार भी, उसके नीचे वही खिलाड़ी है लेकिन फ्री हिट का फायदा, और देखना यह है कि दूसरे रन के लिए यहां पर दौड़ है, दूसरा रन भी मुकम्मल, दोनों नो अंपायर ने नो करार दे दिया इस बार भी। और पहली बात यहां पर देखना यह होगा कि अगर लगातार दो गेंदे इस तरह की फेंकने के बाद क्या वो गेंदबाजी कर सकते, अगर नो होता है तो अभी थर्ड अंपायर के लिए यहां पर गया, देखा जाएगा यहां पर, उसके बाद बता दिया जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी, तो एक मिनट के लिए जरा रोक दे, हाँ मैं देख रहा हूँ, तो यहां पर थोड़ा सा समय दिया जाएगा लेकिन रोक दे यहां पर जरा सा, क्योंकि थर्ड अंपायर के लिए यहां पर जब कॉल आया है। लेकिन अगर ये नो बॉल अगर होती है तो फिर अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा इस खिलाड़ी के लिए, इस गेंदबाज के लिए कि कैसा क्या आता है। यही बॉल है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है, थैंक यू। अच्छा काम कर रहा, अच्छा वर्क कर रहा है ये ऑपरेटर, बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है, तीनों एंगल से दिखाने की कोशिश की उसने, वेल डन, बहुत अच्छा वर्क किया है शोधन, बहुत बढ़िया शोधन, इस तरह की ऑपरेटर की बहुत जरूरत होती है खास करके ऐसे मैच में, वेल डन शोधन, आपकी तारीफ करें उतना कम, वेल डन, बहुत बढ़िया, तीनों एंगल से उसने बता दिया, बहुत बढ़िया यहां पर शोधन ने अपना वर्क किया। शोधन एक मिनट अंपायर जवाब के लिए अंपायर ला बोला, नहीं है तो इस तरह से अंपायर डिसीजन है कि बॉल रेगुलर बॉल है, बॉल जरूर हाई गई थी लेकिन जब वहां पर पिच हुआ उस वक्त वो नीचे आई थी बॉल, और यही कारण है कि उसको नो करार
नहीं दे सकते क्योंकि दोनों टीमों के साथ वही हिरने हैं। तो खैर हम फिर से एक बार बताओ मैच की तरफ जाते हुए, बॉल कितने हुए, दो ना, दो दो, एक 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 ही, एक एक ही बॉल हुआ, एक ही हुआ है, रन दो, रन दो है, 27 रन, 27, 27, फिर से एक मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, क्या कैचिंग हो रही वहां पर, बहुत अच्छी कैचिंग, उसी क्षेत्र में तीसरी कैच ली इस शख्स ने, दानिश है ये, तीसरी कैच, तीनों कैच उसने ली है दानिश ने, वेल डन। फिर से एक मरतबा यहां पर 200 रुपए मिलेंगे आसद फकीर की तरफ से इस गेंदबाज के लिए, मयूर हैंडे उसके लिए, पहले 200-200 मिले थे वो मुजीब के लिए मयूर, हालांकि ओरपी टाइप की गेंद थी, ताकत नहीं लगाया था, और अच्छी कैच वहां पर, बहुत अच्छी कैच, वेल डन। और इस तरह से अब हालांकि हरमीत ने शुरुआत बहुत अच्छी की है, 27 रन बनाए हैं लेकिन विकेट भी ज्यादा गए, लगातार अंतराल पर विकेट गए हैं। नया बैट्समैन कौन है, फैरोज, फैरोज परकर, फैरोज परकर यहां पर, हालांकि ओवरपिच टाइप की गेंद थी, खेला था जरूर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर मौजूद था, हरवित, हालांकि रन बनाए 27 रन, तीसरी ओवर है, तीसरी ओवर के अब तक 2 बॉल हो चुके हैं, और नए बल्लेबाज यहां पर पहुंच चुके हैं वो फैरोज परकार, फैरोज स्ट्राइक संभालेंगे, स्थिति इस वक्त 27 रन, राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और यहां पर 22 के रूप में शायद अंपायर का इशारा जो भी है, 4 रन तो है, 22 के रूप में 4 रन मिले, और इन 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है वो एक दिन, तोहफे के तौर पर मिले हैं 4 रन, क्योंकि काफी तेजी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है, विकेट कीपर से पहले वहां पर जरा बाउंस हुआ था, विकेट कीपर के सर के ऊपर से चली गई थी वो, और वो 4 रन के लिए, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31 रन, 31 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट भी गए, लगातार अंतराल पर विकेट भी जा रहे हैं और रन भी बन रहे हैं, कुछ यहाँ पर गेंदे भी खराब फेंकी गई थी, पहली गेंद तो बहुत ही खराब थी, उसके बाद दूसरी गेंद जो जरा सा चर्चा में रही थी, उसके बाद फिर से अपने बॉलिंग में को जो संभाला, थोड़ा सा विकेट भी प्राप्त किया वहां पर, एक हालांकि एक ओवरपिच टाइप की गेंद पर भी उनको विकेट मिला था वहां पर, लॉन्ग ऑफ पर एक अच्छी कैच थी वहां पर दानिश की, राउंड विकेट, फिर से एक मतलब दौड़ना शुरू किया, और इस बीच इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद हवा में उसके नीचे खिलाड़ी, और ये तीसरा विकेट, चौथा विकेट जाता हुआ, चौथा विकेट गया है लगातार, यहाँ फैज ने कैच ली है यहाँ पर, वेल कैच, अच्छी कैच थी वहां पर, और इस तरह से ये चौथा विकेट गया है, यानी लगातार यहाँ पर ये 200 रुपए मिलेंगे फिर से एक मरतबा गेंदबाज के लिए, ये फिर से एक मरतबा इसी गेंदबाज के लिए ये मिलेंगे 200 रुपए आसद फकी की तरफ से, जिन्होंने लगातार हर विकेट के लिए 200-200 रुपए। साहिल, साहिल है नए बल्लेबाज, 4 विकेट गए हैं, 4 विकेट गए हैं, लगातार अंतराल पर विकेट भी जा रहे हैं, रन भी बन रहे थे, लेकिन अब इस ओवर में थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगा है, पहली ओवर जब नवाज खान ने जब राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर, खेलना चाहते थे साहिल, रन आउट हो सकते, डायरेक्ट थ्रो, यस यस, डायरेक्ट थ्रो वहां पर रिक्वायर्ड था, अंपायर का इशारा आता हुआ आउट, और इस तरह से हालांकि रन लेकर वहां पर स्ट्राइक लेना चाहते थे साहिल, सिर्फ वहां पर मिलने गए थे साथी खिलाड़ी को, वापस आते हुए इस तरह से हरवित की स्थिति बहुत ही खराब नजर आ रही है, हरवित अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विकेट जा रहे हैं लगातार अंतराल पर विकेट पे विकेट गिर रहा है, 5वां विकेट गया हरवित का, अच्छा थ्रो वहां पर, डायरेक्ट थ्रो था, और डायरेक्ट थ्रो ही रोक सकते थे, अब नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम का है ताहिर, ताहिर, ताहिर हरवित की तरफ से, हरवित कितना स्कोर, कितना टारगेट दे पाती है ये हम यहां पर देखेंगे, इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो मैच चल रहा है, जो लोग देर से आए हैं या इनको पता नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नागोटना, वफा फाइटर नागोटना है जो फील्डिंग कर रही है,
और उनके सामने यामिन एलिवन हरबित खेल रही है। जो बैटिंग करने वाली टीम है वो यामिन एलिवन और हरबित, फील्डिंग करने वाली टीम जो है वो नागोटना वफा फाइटर। राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस, गेंदे ज्यादा फेंक रहे। अच्छा रन, चार रन यहां पर मिले, हालांकि बॉल चली गई थी लेकिन इस गेंदबाज ने गेंदबाजी तो की है, रनों पर अंकुश लगाया लेकिन गेंदबाजी में ज्यादातर गेंदे उनके फुल रहे, या तो फिर उनके हिसाब से वो पिच उनके लिए छोटी है, जो भी है, लेकिन ज्यादातर गेंदे उनके फुल टॉस रही है, इसलिए उनके इस पर ज्यादा यहां पर खेलना भी आसान हो गया था गेंदबाज को, लेकिन उसमें विकेट भी गए थे उनको। तो तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन, 5 विकेट के नुकसान पर तीन ओवर समाप्त 35। और अब देखना यह है कि आखिरी ओवर के लिए फरजान आ रहे हैं, फरजान आएंगे नागोटना वफा फाइटर नागोटना की तरफ से। फरजान, यामिन एलिवन और हरबीत इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। निर्धारित चार चार ओवर का मैच है और तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं। चौथी ओवर जो के है वो अब प्रोग्रेस में है, यानी चौथी ओवर प्रगति पर है और उसको लेकर आ रहे हैं फरजान नागोटना की तरफ से, नागोटना वर्सेस हरबीत। दोनों टीम के अपने अपने नाम है, एक यामिन एलिवन हरबीत है, एक वफा फाइटर नागोटना है। इसमें से जो टीम जीतेगी उसको अगला मैच फौरन खेलना है। 35 बोला मैंने, 35 35 रन यहां पर राउंड लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ अच्छी गेंद, अच्छा स्विंग वहां पर, और यहां पर विकेट गया है। स्ट्राइक लेने के चक्कर में अपना साथी खिलाड़ी ने पहले ही क्रीज छोड़ दिया, पहले उनको बताना चाहिए उनको। स्टंप आउट यहां पर, लेकिन अब नए ताहिर आउट हुए ना, ताहिर आउट हुए। नवीन बैट्समैन नौफिल। फरजान यहां पर जम्मल आए हैं, उनका वेलकम। तो यहां पर नौफिल नए बल्लेबाज गए हैं, लेकिन हरबीत की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, फिर भी एक स्कोर जिस तरह से उन्होंने बनाया है, कितने टारगेट दे पाते हैं वो देखेंगे, लेकिन इस टीम के पास गेंदबाजी अच्छी है। और अब राउंड विकेट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वन बॉल बाउंड्री के बाहर, चार रन। हालांकि एक ऊंचे कद के खिलाड़ी थे, उसके बावजूद उनके सर के ऊपर से चली गई वहां पर चार रनों के लिए। ये चार रनों के साथ हरबीत का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। 39 रन बनाए हरबीत ने अब तक इस ओवर में, जो गेंदे बची है चार गेंदे आना बाकी। 39 रन आखिरी ओवर की पहली इनिंग की, हरबीत के लिए चार गेंदे खेलना है। फरजान की तरफ से 100-100 रुपए इनाम लगा हुआ है। मैनेजमेंट के बच्चे अगर बाउंड्री लाइन के बाहर चारों तरफ जाकर कैच पकड़ते हैं, चारों ओवर लगना है उनको, सिर्फ स्टेडियम के सामने जो खड़ा रहकर कैच पकड़ेगा उसके लिए कोई पैसा नहीं है, स्टेडियम के सामने खड़ा रहकर कैच लेगा उसके लिए कोई पैसा नहीं है। बाकी चारों तरफ जहां पर जो बच्चे शाइन मैनेजमेंट के, शाइन के बच्चे, उसके लिए फरजान जुम्मल की तरफ से 100-100 रुपए मिलेंगे और तौसीफ गोड़मे की तरफ से 50, लेकिन शर्त यह है कि स्टेडियम के सामने जो भी कैच पकड़ेगा उसके लिए कोई नहीं मिलेगा। यहां 200 रुपए यहां पर मिलेंगे इस विकेट के लिए, गेंदबाज जो है वो फरजान के लिए। तो जो इनामत लगाए हुए कैचिंग के लिए, बॉडी लाइन के बाहर जो कैच पकड़ता है उसके लिए टोटल 150 रुपए मिलेंगे एक कैच पर, लेकिन आपको शाहीन के प्लेयर्स के लिए सिर्फ, लेकिन स्टेडियम के सामने छोड़कर। हाँ, तीन गेंदे हुए, 39 रन, 7 विकेट गए हैं, काफी विकेट गए हैं, बहुत ज्यादा विकेट गए हैं। लेफ्ट आर्म और दो विकेट गेंदबाजी करते हुए 39 रन, अच्छी गेंदबाजी रही, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही नागोटना की तरफ से। हरबीत थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही है और इस बीच इस गेंद को खेला फिर से एक मरतबा उसी तरह से
हालांकि बॉन्स वहां पर अच्छा खासा है, फिर भी खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल भी मन नहीं बना रहा है आगे जाने के लिए, बिल्कुल भी मन नहीं बना पा रहा है, बिल्कुल भी वो सोच रहा है हाइट का फायदा मिलेगा, रोक लूंगा, ऐसा हो नहीं रहा है। काफी ज्यादा बॉन्स मिल रही, बॉन्स होने के बाद उनके हाथ में कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 43, चार गेंदे हुई है, 7 विकेट के नुकसान पर 43 रन। और यहां पर विकेट तो मिलेगा, विकेट जरूर मिलेगा। आउट कौन हुआ? फैज, फैज आउट होकर पहले में वापिस। और अब नए बल्लेबाज फैज के बाद उस्मान, 8 विकेट गए। जो है विकेट गए हैं 43 पर शोएब। तो इस तरह से राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और वहां पर रन तो बने 43 रन, अच्छा अंकुश लगाया इस टीम ने, रन ज्यादा नहीं दिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो सामने वाली जो टीम है शोएब, अच्छा शॉट अब्दुल मलिक, लगातार अपने हाथ में स्ट्राइक लेना चाहते थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, उनको स्ट्राइक नहीं मिला। और इस तरह से स्कोर जा पहुंच, तो इस तरह से ये जो है टीम जो है हरवीत ने 50 रनों का लक्ष्य दिया है। तो अब देखना यह है कि यहां पर हरवीत, हरवीत का स्कोर है 49, 50 रन चाहिए। और इस तरह से कुछ इनामात यहां पर आए हुए हैं असद की तरफ से, वो जो गेंदबाज है उनके लिए है, वो आकर अपना इनाम ले रहे। मुजीब, मयूर एंडे, मुजीब और फरजान यहां पर आए अपना इनाम लेकर जाए। यह असद फकीर की तरफ से इनामात है। मुजीब, मुजीब यहां पर चले आए, मयूर भी यहां पर आए और फरजान भी यहां पर आए जिन्होंने आखिरी ओवर फेंकी थी। ये बेटा अपना इनाम लेकर जाओ, ये असद फकीर की तरफ से आपके लिए, वेल बॉलिंग, वेल डन। और इसी के साथ मयूर, मयूर के लिए है, ये असद फकीर की तरफ से वफा फाइटर, वेल बॉलिंग। और मुजीब, मुजीब यहां पर आए, मुजीब के लिए इनाम है। इसमें से जो भी टीम जीतेगा वो फौरन मानगांव के पास खेलेगा। मुजीब वेल बॉलिंग, वेल डन, वेल, वालेकुम सलाम। तो अब यहां पर स्थिति जो है 24 बॉल में 50 रन चाहिए। यामिन 11 हरवित ने 50 रनों का टारगेट दिया है। हरवित का है, इधर है, है, है। ये भी बॉल दिया जाए तो दोनों सलामी के बल्लेबाज वहां पर पहुंच चुके हैं, नवाज खान और शादाब। शादाब, सुमरा और नवाज खान 50 रन, एक
देखते रहो फिर हम लोग थोड़ा इकड़े कर थोड़ा एक मुला थोड़ा इकड़े कर मामूली बस बस तो इस तरह से पहला बॉलर है अब्दुल मलिक मलिक बॉलर है अब्दुल मलिक पहली ओवर लेकर और स्ट्राइक पर है शादाब नवाज खान जो है वो नॉन स्ट्राइक पर है 50 रन चाहिए चार ओवरों में 12.5 के औसत से रन बनाना है प्रति ओवर आई के नहीं मनाई वरौली में जो टूर्नामेंट हुई थी वहां पर नागोटा ने फाइनल मैच फाइनलिस्ट टीम रही थी ये आसद फकीर का कहना है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आसद ने फिर से एक मरतबा उनको यहां पर आमंत्रित किया है और वो यहां पर खेलने आई है लेकिन आज देखना है किस तरह से नागोटना की टीम है वो आगे बढ़ रही है या फिर हरवित की टीम आगे बढ़ेगी हरवित की टीम में भी अच्छे अच्छे गेंदबाज है बहुत अच्छी टीम है स्कोर जरूर 50 है लेकिन इतना आसान भी टारगेट नहीं है जिस तरह की टीम है दोनों टीमें अच्छी है बहुत अच्छी टीमें दोनों नागोटना भी ज्यादा रन नहीं दिए 50 रन दिए चार ओवरों में 12.5 के अवसर से रन बनाना है नागोटना के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस एरिया का एक बेहतरीन खिलाड़ी में से शामिल है जिसका नाम अच्छा खासा है क्रिकेट इतिहास में अब्दुल मलिक पहली गेंद खराब गेंद बिल्कुल भी खराब गेंद थी बिल्कुल भी खराब गेंद थी शॉर्ट पिच टाइप की गेंद थी आप जब से बाहर यहाँ पर अब्दुल मलिक ने अपने लिए फील्डिंग ली है मैं थोड़ा सा बता दूं एक विकेट कीपर के अलावा एक नजदीकी क्षेत्र में एक थर्ड शॉट थर्मैन लिया हुआ है एक पॉइंट पर एक खिलाड़ी है एक 30 गज के दायरे के अंदर एक एक्स्ट्रा कवर पर है एक लॉन्ग ऑफ सॉरी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर है लॉन्ग ऑन है एक इस बीच ओह अच्छी गेंद बढ़िया गेंदबाजी और इस तरह से एक लॉन्ग ऑन है फिर एक मिड विकेट पर एक फील्डर को तैनात किया गया है जो कि 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं एक फाइन स्क्वायर लेग के ऊपर भी एक फील्डर को तैनात किया गया है 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉट मिड विकेट रखा हुआ है एक 30 गज के दायरे के अंदर एक गली लिया हुआ फाइन लेग लिया हुआ है और एक स्क्वायर लेग ये है ऑन साइड की फील्डिंग फिर से एक मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद फिर से एक मरतबा और फिर से एक मरतबा बहुत अच्छा पॉइंट के ऊपर से बहुत बढ़िया शॉट था बहुत ही अच्छा अली के सर के ऊपर से वहां पर खेला 4 रनों के लिए जैसे विद द स्पिन खेला इस शॉट को सबसे अच्छी बात थी कि विद द स्पिन खेला इसको समीर भाई करदेकर यहां पर आए उनको वेलकम कहते खुशामदीद उनको वहां पर आमंत्रण दे रहे समीर करदेकर तो एक अच्छी खासी मैच यहां पर देखने मिलेंगी क्योंकि बैट और बॉल के बीच में एक अच्छा संघर्ष देखने मिलेगा क्योंकि अच्छा स्पिन कराते हैं अब्दुल मलिक की जिस तरह की गेंदबाजी आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर अच्छा स्विंग भी करा ले रहे हो अच्छे अपने उंगलियों का इस्तेमाल करा रहे अब्दुल मलिक समीर करदेकर को आसद फकीर वहां पर बुला रहे हैं फिर से एक मरतबा लगातार उसी क्षेत्र में खेला वही गेंदबाजी वही शॉट बिल्कुल भी ये तारीफ करना पड़ेगा इस खिलाड़ी की पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और अब्दुल मलिक भी बदलने का नाम नहीं ले रहे तो ये है 12 रन नवाज ने पहली ओवर फेंकी थी 15 रन दिए थे यहां पर 12 रन निकले हैं 2 चौके वहां पर लगाए हैं वेल डन वेल स्टार्ट 3 चौके लगे हैं 12 रन क्या बैटिंग हो रही है अब फील्डर वहां पर चेंज किया है अब जाकर फील्डर को जो है पॉइंट का फील्डर है उसको पॉइंट बाउंड्री पर लगा दिया है क्योंकि 3 की ही अनुमति है चौथा तो लगा नहीं सकते और ये जरा उत्साहित हो गए थे इस बार जरा नहीं अच्छे खासे उत्साहित हो गए थे और ये बहुत खिलाड़ी हमने इससे पहले भी एक मैच में देखा था रिवर्स शॉट खेलते हुए खिलाड़ी आउट हुआ था बहुर का तो यहां पर अच्छे खासी चल रही मैच और उसमें भी लेकिन अब्दुल मलिक की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जैसे ही उसको देखा कि वहां पर गेंद को आगे पिच कराया सही किया वहां पर फिर से एक मरतबा अच्छी गेंदबाजी अच्छा स्विंग है बहुत अच्छा स्विंग है इनके पास अच्छा ऑप्शन से बाहर से डाली भी गेंद को अंदर की तरफ खींच के लाए और उसको खेलना चाहते थे लेकिन असफल ठहरे 12 रन पहली ओवर की समाप्ति पर फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड 12 रन हो चुके 50 रनों की जरूरत है तो अभी भी यहां पर 38 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए 18 गेंदें और 38 रन 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए 38 रिक्वायर्ड टू विन द मैच दूसरी ओवर के लिए देखना है किसको आमंत्रित किया जा रहा है कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए क्योंकि ये एक समस्या रहेगी इनके सामने क्योंकि ये हर बॉल हर गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
रन ज्यादा तो नहीं है और कम भी नहीं है, एक फाइटिंग स्कोर जरूर है। सारे 12 के औसत से रन बनाने थे तो आपने टारगेट को तो प्राप्त किया है नांगोटना ने, जिस औसत के साथ रन बनाने थे उसको तो प्राप्त किया है पहली ओवर के फलस्वरूप। इस टूर्नामेंट में अब तक 206 लगे पूरे, अब तक जो सिक्सर लगे हैं 206 लगे पूरे टूर्नामेंट में। बॉलर नेम यहां पर बताया जाए, इस बीच यहां पर फिर से एक मरतबा, और एक अच्छी टीम है ये, दोनों टीमें हरवीत भी बहुत अच्छी टीम है। नौफील आए हैं गेंदबाजी के लिए, 12.5 के अवसर से रन चाहिए थे, अब यहां से 13 का रन रेट चाहिए प्रति ओवर, 13 रन बनाने हैं, 13 रिक्वायर्ड टू विन द मैच प्रति ओवर, यानी प्रति ओवर 13 रन बनाने हैं। तो अब यहां पर देखना है, 13 से थोड़ा कम है लेकिन लगभग 13 है। ओके, अंपायर आदिल वहां पर है, तजम्मुल सर है वहां पर, और नौफील जो कि गोरेगांव इनकी तरफ से बॉलिंग का मोर्चा संभाले हुए 8-10 कदमों का रन अप दौड़ना शुरू किया। ऑप्शन से बाहर, बड़ा एज है वहां पर, लेकिन विकेट एक बड़ा हो सकता था, बहुत बड़ा विकेट हो सकता था। थोड़ा जल्दी खेला है इस गेंद को, थोड़ा जल्दी खेला, टाइमिंग वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर कि थोड़ा जल्दी खेला, जिसकी वजह से वहां पर टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद बल्ले का मोटा सा किनारे लिए चली गई, विकेट कीपर के पास उनके पीछे चली गई, वहां पर एक शॉर्ट थर्म में लिया हुआ था वो, जहां पर पहुंचने से पहले ही गेंद उनके शरीर से आगे गिरी और इसकी वजह से सिर्फ कोई एक रन मिला वहां पर नवाज को। शादाब स्ट्राइक पर, नवाज नॉन स्ट्राइक पर, मैंने पहले कहा था 50 रन जो है ये भी इतने आसान भी नहीं है, हालांकि रन कम है लेकिन आसान भी नहीं है। नौफील छोटा सा रन अप, फुल टॉस बॉल, खराब गेंद थी, बिल्कुल भी खराब गेंद, लेकिन उसमें अगर विकेट मिलता हो तो, खराब गेंद में विकेट नहीं मिला बल्कि यहां पर कैच ड्रॉप की है, कैच ड्रॉप की है, आपने कैच छोड़ा है कहीं मैच ना छूट जाए, कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो, कैच छोड़ो मैच छोड़ो की बातें होती रहती है, तो यहां पर आपने कैच छोड़ा है, इतना मुश्किल कैच नहीं था, हालांकि गेंद भी इतनी अच्छी नहीं थी, शॉट भी अच्छा नहीं रहा, सब कुछ खराब रहा इस बॉल में, गेंद अच्छी नहीं, शॉट अच्छी नहीं, कैचिंग अच्छी नहीं, यानी किसी को कोसने की जरूरत नहीं है, तीनों ने अपने तरफ से खराब क्रिकेट खेला, गेंदबाज ने गेंद अच्छी नहीं फेंकी, शॉट बल्लेबाज ने अच्छा शॉट नहीं खेला, फील्डर ने अच्छी कैच नहीं पकड़ी। तो इस तरह से अभी भी स्कोर जो है वो 14, हर सिक्सर पर 200 रुपए मिलेंगे आसद फकीर की तरफ से, फरजान पालेकर इनके तरफ से 100 रुपया, नवाज के लिए, नवाज के लिए। आहा, जैसे ही सुना ये पैसे कहां पर है, उन्होंने पूछा तीन दोनों को कि 300 रुपए आप निकाल के पहले ही रखिए। तो इस तरह स्कोर हुआ है 20। तो इस तरह से इस सिक्सर के सहारे स्कोर हुआ है 20 रन प्रति ओवर, बड़ा रन बनाने नवाज को। अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करेंगे, हालांकि गेंद अच्छी, गेंद इतनी भी खराब नहीं थी, लेकिन जहां से वो अंदर की तरफ लाना चाहते थे, नवाज पहले से सतर्क थे, विद स्पिन खेला इसको, जिस तरह से नौफील चाहते थे कि गेंद को स्पिन होना चाहते थे, नवाज ने उसको स्पिन नहीं होने दिया, विद द स्पिन खेला इसको। वेल डन, फिर से एक मरतबा, ऑफ साइड की फील्डिंग काफी क्लोज कर दी गई है, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं नौफील। एक कवर पर एक फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है, फिर से एक मरतबा 300 रुपए के लिए आक्रमण कर लिया जाता हुआ, लेकिन इस बार गेंद जो थी आगे देखा, पहले शुरू में शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि 300 रुपए के इनामात घोषित हुए हैं, लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर मारा लगाए, 600 रुपए हासिल किए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन ये गेंद नौफील जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी नहीं थी ये गेंद, पहली गेंद जिस पर अगर खेला था उसमें नौफील का कोई दोष नहीं था, उसमें पूरा श्रेय जाता था वो नवाज को जाता था, लेकिन ये गेंद अच्छी नहीं थी, ये ओवर पिच टाइप की गेंद थी, कोई भी बल्लेबाज ऐसी गेंदबाज चाहता है, ऐसी गेंदें चाहता है जो आपने फेंकी, नौफील ने फेंकी। तो स्कोर जहां पहुंचा 26 रन, यानी टारगेट से थोड़ा आगे जाती हुई, 12-12.5 के अवसर, जरा जल्दी जल्दी करें, 12.5 के अवसर से रन बनाने थे, यहां पर 13 के अवसर से रन बने हैं,
अब तक पांच ले, अंपायर किस वजह से रुका हुआ है? अच्छी खासा खेल है यहाँ पर नौफिल, और ये नौफिल का जो बॉलिंग एनालिसिस बॉलिंग एक्शन है वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा होता है कभी क्रिकेट में इस तरह की बातें। शायद बॉलर यहां पर चेंज किया गया है, बॉलर नेम शहबाज, नौफिल की जगह शहबाज आए हैं। छब्बीस रन हुए हैं, 24 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए, 24 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 50 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, 26 रन हो चुके हैं। नवाज लगातार दो गेंदों पर दो सिक्स लगा चुके हैं, तीसरी गेंद है इस ओवर की, शहबाज गेंदबाजी करेंगे। दो सिंगल दो सिक्स आए हैं इस ओवर में, यानी 14 रन आए हैं, दो गेंदें बची हैं इस ओवर की। अच्छा खासा मौका था तीसरा सिक्स भी लगा सकने का, लेकिन धीमी गति की गेंद थी इसलिए चकमा खा बैठे। शादाब के लिए भी 200 रुपए का इनाम है अगर उस सिक्सर लगाते तो, आसद फकी की तरफ से। आसद फकी अपनी टीम का हौसला बुरा बनाने की कोशिश यहां पर, लेकिन शादाब यहां पर गेंदबाजी करते हुए, देखना यह है कि कौन सी टीम है जो हावी रहेगी इस वक्त इस मैच में। अच्छा शॉट है यहाँ पर, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा 6 रन। आसद फकी की तरफ से मिलेंगे 200 रुपया, आसद फकी की तरफ से मिलेंगे 200। वेल डन, वेल शॉट, वफा फाइटर वड़ोली नागोटना इस वक्त अच्छी खासी स्थिति में, क्योंकि स्कोर हुआ है 33 रन, 33। तो अब यहां पर 33 यानी 17 रन चाहिए, 12 गेंदे और 17 रन, 12 गेंदों में 17 रन चाहिए। जुनेद, जुनेद आए गेंदबाजी के लिए, क्या जुनेद रनों पर अंकुश लगा सकते हैं या मैच को आखिरी ओवर में कहां तक लेके जा सकेंगे, क्या मैच आखिरी ओवर में जाएंगी नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो कितने रनों के साथ जाएंगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि नवाज फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर है। जुनेद गेंदबाजी करेंगे, 17 रन चाहिए। मानगांव के कैप्टन यहां पर चले हैं, मानगांव, इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसको फौरन मानगांव के साथ खेलना है। मानगांव की टीम यहां पर चले मानगांव के कैप्टन, क्योंकि इसके बाद इसका मैच जैसे ही खत्म होता है, ये अंतिम अंतिम दो ओवर बाकी है। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, उसके नीचे खिलाड़ी है, उसके नीचे खिलाड़ी है, लेकिन मानसिक तौर पर ही पहले से वो तैयार नहीं थे, और ऐसा ऐसा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, लेकिन जिस तरह से वो खिलाड़ी है जो वहां पर कैचिंग के लिए गया था, शारीरिक तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे वो, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कैचिंग के लिए, और उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था वो कैचिंग के लिए नहीं गए थे। नागोटना अगर जीतती है तो जुबैर अब्बासी की तरफ से 1000 रुपए मिलेंगे उनको, जुबैर अब्बासी की तरफ से। नागोटना है वफा फाइटर नागोटना, राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, ये थोड़ा जल्दबाजी में खेला शॉट था, लेकिन ये शॉट देकर नवाज का शॉट नहीं लगा, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल मिस कर बैठे, बिल्कुल टाइमिंग कहीं का दूर दूर तक नहीं था वो, चाहे अच्छे खिलाड़ी है बहुत अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह का शॉट है खुद भी पहचानते होंगे कि ये बहुत गलत शॉट हुआ, बॉल और बैट के बीच में कितना देरी का संपर्क रहा वो देखा गया वहां पर, बैट पहले घूमी बॉल बाद में आया। राउंड विकेट फिर से एक मरतबा, बहुत बेहतरीन शॉट वहां पर, और यहां पर 6 रन, वेल डन, क्या शॉट है, क्या स्टाइल है, क्या शॉट है, हमारा शॉट, क्या स्टाइल है शॉट खेलने का, बहुत प्यारा स्टाइल था, बहुत ही बढ़िया स्टाइल था, वाह वाड़ा शॉट, वाड़ा मैच, वाड़ा क्रिकेट। जुबैर की तरफ से 500 रुपया इस शॉट के लिए, जुबैर अब्बासी की तरफ से।
वेल डन, बहुत प्यारा शॉट था, बार बार देखने के जैसा ये शॉट है, एक बार नहीं बार बार देखो। फिर से एक मरतबा, लेकिन इस बार आउट है ये। अच्छा शॉट था वो, बार बार देखने के जैसे था। आसिम नहीं बल्लेबाज, सात फरमान गोटेकर की तरफ से साहिल के लिए 500 रुपए आए हुए कैच पर। साहिल अच्छी कैच थी, बहुत अच्छी कैच थी साहिल ने, बैलेंसिंग कैच इतना आसान नहीं होता। सात रन चाहिए, सात। दानिश करदेकर आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत, बहुत देर की मेहरबा आते आते, लेकिन लाइनमैन के लिए कैचिंग के लिए उनके तरफ से भी 50 रुपए। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, किया मैंने सुबह से, आप भी आए इसलिए दानिश का वेलकम। तो 6 रन चाहिए अब यहां से, 6 रन चाहिए, 7 गेंदें 6 रन, तो मैच थोड़ा सा आसान नहीं, अच्छा खासा आसान होता है। मैंने पहले कहा था कि आखिरी ओवर में मैच कहां तक जाएगा, 17 रन चाहिए थे जब मैच यहां पर शुरू हुआ था, दूसरी ओवर तीसरी ओवर, लेकिन उसमें नवाज ने अच्छे शॉट लगाए थे। ये फिर से एक मरतबा कैच हो सकती है, वहां पर कैच होने की संभावना है तो है, बहुत अच्छी कैच, यकीनन अच्छी कैच। अभी तक मैच में जीवित है हरवित, ऐसा नहीं कि जीवित नहीं है, जीवित है हरवित, अभी भी हरवित की टीम अभी भी मैच में वापसी कर सकती है। 6 गेंदें 6 रन, बॉल टू रन है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। शादाब जीशान, बॉल टू रन है, लेकिन अक्सर देखा गया है क्लोजिंग मैच बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, और इसीलिए कोई भी खिलाड़ी चाहता है कि सेकंड लास्ट ओवर में ही मैच खत्म हो जाए। लास्ट ओवर में मैच में अगर 4-5 रन भी रहते तो प्रेशर में आ जाती टीम, तो मोस्टली टीमें जो है आदिल डावरे यहां पर चले, आदिल फरजान पालेकर से मिले, आदिल डावरे, लेकिन यहां पर एक मैच जो है ये है तो 6 रनों का, लेकिन क्या ये मैच रोमांच भरी स्थिति में पहुंच सकता है? बॉलर नेम सलीम, क्या मैच यहां पर हरवित अपने पक्ष में करा पाएंगी? ये बड़ी चुनौती रहेंगी उनके लिए, क्योंकि रन ज्यादा नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर अच्छे गेंदबाज जो है वो ऐसे मैच को निकाल पाए हैं। और यहां पर रन मिलेगा, 1 रन तो जरूर मिलेगा जब तक फील्ड करके थ्रो करते हैं। 1 रन 5 गेंदें 5 रन, मैच टाई होने की सूरत में विकेट देखा जाएगा, विकेट भी अगर टाई होता है तो टॉस, तो विकेट के हिसाब से तो हरवित बहुत आगे है, बहुत आगे है। हरवित ने दिल खोलकर विकेट दे दी है, यानी नागोटना के लिए बख्शिश के तौर पर भी विकेट दिया हरवित ने, और मैच को खत्म कर दिया है। यहां पर विकेटों का पतंग ही, विकेटों का हिसाब ही नहीं रखा, विकेटों का हिसाब ही नहीं रखा। साहिल यहां पर आए अपना इनाम लेकर, साहिल एक कैच के लिए उनका इनाम आया था, साहिल यहां पर चले आए। मैन ऑफ द मैच का भी हम पुरस्कार देंगे, टॉस किया जाएगा, टॉस के लिए किसके हाथों से टॉस करना है? जुबेर भाई यहां पर इनामात है, और शादाब सुमरा के लिए यहां पर इनाम है।